ये तो कभी का रेट है 10 रुपए तोला, ये तो अंग्रेज आए तो 15 रुपया किया था उन्होंने और तोड़ा था, उसका कूटकरण किया था। अच्छा कूटकरण हो सकता है क्या मानक में? तो बड़े बुजुर्ग सब कहते हैं कूटकरण हो गया तो समझो सत्यानाश हो गया, मानव जाति का सत्यानाश हो जाएगा कूटकरण होते ही। तो फिर हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस पर लड़ाई नहीं लड़ी क्या? पता चलता है एक बार नहीं, जितनी बार भी इन्होंने कूटकरण करने की कोशिश की कत्लेआम हुआ। कलकत्ता उस टाइम राजधानी हुआ करती थी 1882 में, जब 10 रुपया की एक मोहर से पलट करके इन्होंने कूटकरण करके 15 रुपए की एक मोहर की, और उस वक्त बहुत से लोगों को इन्होंने गोलियों से भून दिया था अंग्रेजों ने, बड़ा दमनकारी तरीके से पूरे के पूरे कलकत्ता को खून की नदियां बहा दी थी। उस टाइम पे हमारे पुरखों की बात है, वहीं से तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मालूम पड़ा कि रुपए का कूटकरण का क्या चक्कर है, और वहीं से तो नेताजी ने सोचा कि कूटकरण वाला रुपया तो देश को बर्बाद कर देगा, ये तो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब करता जाएगा, और इसीलिए तो उन्होंने अपनी मुद्रा निकाली थी, और इसीलिए तो वो हिटलर से मिलने के लिए गए थे। हिटलर से मिलने क्यों गए थे? क्योंकि हिटलर ने अमेरिका के डॉलर राज को खत्म करने के लिए उसने ऐलान कर दिया था कि तुम्हारे डॉलर में हम लोग कोई डीलिंग नहीं करेंगे, हम अपनी करेंसी छापेंगे, तुम्हारी करेंसी का इससे कोई मतलब नहीं होगा और उसका मानक फिक्स होगा। और मैं आपको बताऊं हिटलर ने अपनी करेंसी को फिक्स करके उन रॉसचाइल्ड फैमिली के इस अत्याचार से पूरे देश को मुक्त करके कुछ ही चंद ही सालों के अंदर दुनिया के टॉप देशों में जर्मनी को लाकर खड़ा कर दिया था, सिर्फ डॉलर के राज से मुक्ति करके। अब ये कहानी तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले समझ में आ गई नेताजी को और समझाया। हालांकि आज आप देखोगे जिस भी व्यक्ति ने रुपए के ऊपर सवाल उठाया है, चाहे वो स्वाधीन भारत के प्रणेता अपने रामवृक्ष यादव जी का एग्जांपल ले लो, इससे पहले का चाहे सद्दाम हुसैन का ले लो, गद्दाफी का ले लो, हिटलर का ले लो, जिसने भी रुपए पर बोला है उसी को टपका दिया।